महिला एवं बाल विकास की CDPO एवं सुपरवाइजर के निर्देशानुसार रामचंद्र कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र में बेटियों की लोहड़ी का पर्व मनाया गया। आंगनवाड़ी वर्करों ने क्षेत्र की महिलाओं को बताया कि बेटियां बेटों से बढ़कर समझें। बेटा अगर आपकी आन है तो बेटियां आपकी शान है। बेटियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ने का मौका दो। इसके साथ ही पोषण जागृति के बारे में भी लोगों को जागृत किया गया। अपने किशोरियों एवं बच्चों को मोटा अनाज खिलाकर अनीमिया से बचाए रखने की को लेकर जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को मोटा अनाज खिलाएं और अनीमिया दूर करें, कुपोषण दूर भगाएं। रामचंद्र कॉलोनी के पूर्व पार्षद नरेंद्र चौहान एवं उनकी पत्नी मंजू चौहान एवं साथी लवली ने बेटियों को उपहार देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सहयोगी अनीता, रंजना, दुर्गा वर्कर एवं हेल्पर आरती ने सहयोग किया। आज हमारी वाठाई की रामचंद्र कॉलोनी के आंगनवाड़ी में लोहड़ी का पर्व मनाया गया, जिसमें कि छोटी बच्चियों को सम्मानित किया गया और यहाँ पे जितने भी मोटा जागृति दिवस के पोषण जागृति दिवस के उपलक्ष्य में मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आशा मैडम का, जो हर बार आंगनवाड़ी में हर तरह के प्रोग्राम करते हैं और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ मैसेज देना चाहेंगे छोटे बच्चों के लिए? लोहड़ी पर्व है, कल संक्रांत भी है। लोहड़ी पर्व में बस यही है कि ये सबको प्यार बढ़ता रहे, सबका सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, यही मेरा। रंजना और आरती हेल्पर है जो कि जिन्होंने मेरा इस फंक्शन को करने में सहयोग दिया है। यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पर बेटियों की लोहड़ी मनाई है, जो कि यहाँ की छोटी छोटी बेटियों को बुलाकर सम्मानित किया है और लोगों को ये बताया है कि बेटियाँ जो होती हैं वो बेटों से कम नहीं हैं, बेटों से वो आगे बढ़कर हैं, जिसके लिए हमने कविताएँ भी तैयार की हैं, बेटियों के ऊपर कविताएं भी तैयार की हैं। और इसके अलावा पोषण माह दिवस चल रहा है, लोगों को हमने जागृत किया है मोटा अनाज खिलाकर कि अपने बच्चों को आप मोटा अनाज खिलाएं ताकि अनीमिया की कमी को दूर किया जा सके। और साथ में ये भी कहा है कि आप उस अनाज को तरह तरह की विधियां बताई हैं कि तरह तरह के अनाज को जैसे मल्टी कर बना कर आप उसको अच्छी तरह से अपने बच्चों को देंगे। किशोरी कन्याओं को बताया है कि आप अगर अनाज मोटा जो अनाज है जैसे कि मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, आप इसको घर में ही अच्छी रेसिपी के साथ बना कर खाएं तो आप अनीमिया को दूर कर पाएंगे और बच्चों में अच्छा कुपोषण जो है जो कि अच्छा स्वास्थ्य हो पाएगा और कुपोषण।